अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दुबई में बहुत सारे लोग फंसे हैं उनको लेकर के, और साथ में बता दें कि सिविल आईडी को लेकर के। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो में देख लेते हैं कुवैत से लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहली अपडेट का, तो आपको बता दें कि जैसे कि बहुत सारे लोग श्रीलंका से, इंडिया से और भी कई कंट्री से हैं जो कि दुबई में फंसे हैं, जिनको कुवैत आना था लेकिन फ्लाइट बंद होने की वजह से या फिर उनको वैक्सीन नहीं लगा है जिनके कारण वो लोग वहां पे फंसे हैं। तो दोस्तों जो अपडेट आ रही है उनके अनुसार बताया गया है कि अभी जैसे कि 1 अगस्त से कुवैत के अंदर एंट्री होगा एक्सपर्ट्स का। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो लोग भी दुबई में फंसे हैं उन्हें या तो दुबई गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेट किया जाएगा, उनके बाद वो लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छी अपडेट है उन लोगों के लिए जो लोग भी दुबई में अभी तक फंसे हुए हैं, कुवैत आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग वहां पे दुबई के अंदर वेट करें, हो सकता है फ्लाइट ओपन हो बाद कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई बेहतर डिसीजन लिया जाएगा ताकि जो लोग भी दुबई के अंदर फंसे हैं वो लोग कुवैत आसानी से आ सकेंगे। तो दोस्तों जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुवैत से जो अगली अपडेट है आपको बता दें कि कुवैत PACIA को लेकर के है। यहाँ पे बताया गया जैसे कि सिविल आईडी कार्ड को लेकर के बहुत सारे लोगों का सिविल आईडी कार्ड फंसे हैं जो कि अभी तक नहीं मिला है। तो जो कुवैत का पब्लिक अथॉरिटी है उनके तरफ से बताया गया है कि अभी जो इनका क्षमता है उनको तेज कर दिया है, यानी कि डिलीवरी का सिस्टम भी तेज कर दिया है और जो मशीन के अंदर कार्ड बनाने की क्षमता है उनको भी बढ़ा दिया गया है। साथ में यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि अलग अलग कंट्री में है लेकिन उनका सिविल आईडी कार्ड यहाँ पे बना हुआ स्टॉक है, उनको भी ये लोग निकालने का कोशिश करेंगे, यानी कि जिनका भी सिविल आईडी कार्ड ज़्यादा दिन से है इस मशीन के अंदर उन्हें निकालने का काम करेगा ताकि जो लेटेस्ट कार्ड है उनका काम तेजी से हो सके। इसीलिए बताया गया है कि PACIA के द्वारा इन्हें जल्द से जल्द जो इनका कार्ड का क्षमता है काम करने के प्रोसीजर है वो तेज किया जाएगा। तो दोस्तों जिनका भी सिविल आईडी कार्ड है वो जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुवैत से अगली अपडेट आपको बता दें कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार जैसे कि अलग अलग विभाग में सभी को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो दोस्तों यहां पे बता दें जो लोग फार्म में काम करते हैं यानी कि कुवैत के अंदर खेती बाड़ी में काम करते हैं उन्हें अभी वैक्सीनेट करने का काम किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा बताया गया है कि जितने भी लोग फार्मिंग में काम करते हैं या फिर कुवैत के अंदर जो एरिया है जहाँ पे खेती बाड़ी होता है जितने भी वर्कर हैं उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाएगा। तो दोस्तों ये था कुवैत से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट। कुवैत से सभी खबर देखने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।